हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना अपने चैनल द बीज गार्डन में आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको अपने फ्लावरिंग प्लांट्स के सीड्स की शॉपिंग दिखाना चाहूंगी। ये सारे सीड्स मैंने ऑनलाइन ही खरीदे हैं। तो ये जो विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनकी सीडलिंग हम सेप्टेम्बर और अक्टूबर में करते हैं। तो अगर आपको भी अपना विंटर गार्डन प्रिपेयर करना है, तो अभी से सीड्स जो आपको लगाने हों खरीद सकते हैं, नर्सरी से भी खरीद सकते हैं, चाहे ऑनलाइन साइट्स में भी ये अवेलेबल हैं, उनसे भी आप अपने मनपसंद के इस विंटर सीड्स खरीद सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको एक एक करके अपने सारे सीड्स दिखाऊंगी, कौन कौन से फ्लावरिंग सीड्स हैं वो सभी मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। तो पहला है ये बेलिस पेरेनिस प्लांट, ये डेजी की वेराइटी है। और दूसरा है वर्बीना, ये वर्बीना भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। इसमें पीछे टेम्परेचर भी लिखा हुआ है, पर इंडिया में तो सब जगह अलग अलग टेम्परेचर ही रहता है, तो उसको आप अपने हिसाब से लगाइए। तीसरा है ये डायंथस का, ये भी विंटर का बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। फोर्थ जो मेरा प्लांट का सीड है वो है डायमॉर्फिथिका का, ये भी विंटर का बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। नेक्स्ट है ये स्वीट विलियम का, इसके भी अलग अलग मिक्स सीड का है ये। और ये है लेवेंडर का, लेवेंडर भी सर्दियों में ही उगती है। और ये है एनुअल क्राइसेंथमम। नेक्स्ट सीड है हमारा स्वीट एलाइसम का, ये भी आप विंटर में लगा सकते हैं। और ये नेक्स्ट सीड है ओस्टियोस्पर्मम का, ये इसको अफ्रीकन डेजी भी कहते हैं हम। और ये है डायंथस स्वीट विलियम मिक्स, ये है पिटूनिया स्टार मिक्स। नेक्स्ट हमारा है बेलिस मॉन्स्टोरा, ये भी डेजी की वैरायटी होती है। नेक्स्ट है कोरियोप्सिस, और फिर है डहेलिया। डहेलिया के भी काफ़ी वैरायटी आती हैं, मेरा ये दूसरी टाइप की वैरायटी है फ्लॉक्स। और ये है पिटूनिया। तो फ्रेंड्स, विंटर में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं सीड लगाने के, फ्लावरिंग प्लांट्स के। तो आप अभी से अपना गार्डन प्लान कर लीजिए, और आपको जो सीड्स फ्लावर्स पसंद है उनके सीड मंगाइए, और अपनी सीड्स को सितंबर अक्टूबर में लगाइए। मैं भी जब अपनी सीड्स लगाऊंगी तो आपसे वो वीडियो शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी सीड्स शॉपिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, फिर मिलती हूँ किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।